में सबसे पहले बात किसानों की। दाल की महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार कई उपाय करने जा रही है। इन उपायों से जहां देश में दालों की कीमत पर लगाम लगेगी, वहीं दलहन की खेती करने वाले किसान मालामाल हो जाएंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने केंद्र सरकार से सभी तरह की दालों के MSP बढ़ाने, GM टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने और दालों के एक्सपोर्ट और स्टोरेज की सीमा पर पाबंदी हटाने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने इसी साल जून में अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसे दालों का उत्पादन और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए दालों के MSP और बोनस की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। समिति ने अरहर, उड़द जैसी दालों की MSP अगले 2 साल में 2,000 रुपये प्रति क्विंटल और रबी मौसम की चना की फसल के लिए 4,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है। और इतना ही नहीं, अगर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान दाल की खेती करेंगे तो उन्हें 1,000 से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल अलग से मिलेंगे। The way to set incentives to boost production is to think of what the competing crop is in any location, which will be location specific, and then say, in order to incentivize the production of, say, tur in Maharashtra, we need to take into account what is the normal return for the competing crop.